भीकन गांव में 3 दिनों तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा। कोविड-19 टीकाकरण के अंतर्गत राजस्व विभाग, नगर पालिका, पंचायत व पुलिस विभाग के SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, SDOP, थाना प्रभारी अधिकारी एवं कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा। इसमें BMO डॉक्टर मनोज निराले ने बताया कि राजस्व विभाग व पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए भीकन गाँव में 2 केंद्र है। इनमें से 8 फरवरी से 10 फरवरी तक कुल 272 को कोविड का टीका लगाया जाएगा, जिसमें राजस्व विभाग के 136 और पुलिस विभाग के 136 कर्मचारियों अधिकारियों को वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। इसमें सबसे पहले राजस्व विभाग के महेंद्र पाटीदार को वैक्सीन का टीका लगाया, वो पुलिस विभाग में सबसे पहले चंपालाल सोलंकी व फिरदौस टोपो को लगाया। वो अपने परिजनों व मित्रों से वीडियो कॉल पर अनुभव शेयर किए। इसमें मौके पर तहसीलदार देव कुंवर सोलंकी, नायब तहसीलदार ममता मेमरोट, BMO डॉक्टर मनोज निराले व हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ मौजूद था। भीकन गांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। हाँ सर, आपने कोविड-19 का सर टीका लगाया, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? सामान्य है, कोई ज़्यादा कोई लग रहा है सामान्य, नॉर्मल, विशेष नहीं कुछ नहीं लग रहा है। अब सामान्य नागरिकों को सबको टीका लगेगा तो आप उनको क्या अपील करना चाहोगे? टीका लगाना चाहिए जीवन के लिए, जान है तो जान। आपको कोविड-19 का टीका लगा, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है कि कुछ हुआ है, जो सामान्य लगाते हैं इंजेक्शन उस टाइप का ही है। सर, आपको कोविड-19 का इतना बड़ा विश्वगत बढ़िया टीका लगा, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? कुछ भी सामान्य है, कुछ ऐसे कुछ भी दर्द वर्द कुछ भी नहीं है, ऐसे कोई साधारण इंजेक्शन लगाते हो ऐसे ही है। आप क्या अपील करना चाहोगे सबसे? मैं तो ये अपील करना चाहता हूँ, जो ये अपने शासन ने अगर इसको वो किया है तो उसको सबको टीके सबको लगाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।